हेलो एवरीवन, हाय गाइस, व्हाट्स अप निंजास, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर सुपर 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 फाइन एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर प्रीटी एक्साइटेड टू स्टार्ट द सेशन. यस यस, इफ यू ऑल आर प्रीटी एक्साइटेड देन क्विकली गिव मी द थम्स अप जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारी अमेजिंग चीजें हम सीखने वाले हैं. क्या क्या सीखेंगे, कैसे कैसे सीखेंगे, सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी. तो जैसे कि आपको हेडिंग देख के पता लग ही गया है कि आज हम बात करेंगे स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स के बारे में, जो कि है बहुत ही आसान सा इजी पीजी बर्गर चीजी चैप्टर, है ना. अगर आपको बड़ा डर लगता है कि मैम स्क्वेयर फाइंड आउट करने की कोई ट्रिक्स है क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यस एवरीबॉडी, आज के सेशन में मैं ट्रिक्स भी शेयर करूंगी और कुछ इजी वेज भी शेयर करूंगी बाय विच यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले स्क्वायर्स की, एकदम बेसिक से अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे. सबसे पहले लाइक फाउंडेशन बनाएंगे एंड देन स्लोली 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 ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए. सिर्फ फॉर्मूला पता होने से काम नहीं चलेगा, इसका क्या मतलब है, क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए. ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सीखने के बाद में हम बात करेंगे मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एंड देन एज आई टोल्ड यू बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजीली विद इन सेकंड्स आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो सेशन को बिना बिना कुछ और ज्यादा बातें किए फटाफट से आगे बढ़ाते हैं. And one more thing, if you are new on this channel, then don't forget to subscribe. जल्दी से जाके फटाफट से वो सब्सक्राइब वाला बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए. And do give us the like. Please motivate us. यहाँ से आपके टीचर्स आप तक पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाते हैं ना, समझ में आती है चीजें. जहां से भी अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ चीज सीखने को मिले तो वहां पे जल्दी से थम्स अप कर देना चाहिए. ठीक है, फटाफट से जाके थम्स अप करो. और आज ना मेरे साथ बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट हुआ. सो देयर वाज अ वन नॉटी निंजा, लाइक इस बैच का नहीं बट एक नॉटी निंजा था, मुझे सुबह मिला. उसने मुझसे बड़ा ही सिली सा एक जोक पूछा जिसका आंसर मुझे नहीं आया था, बट व्हेन ही टोल्ड मी देन आई वाज लाफिंग हिस्टेरिकली. ओके, तो द सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल और उसका आंसर आपको मुझे चैट पैनल में बताना है. ठीक है, रेडी है, रेडी हो आप लोग की क्वेश्चन सुनने के लिए? हाँ. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई अ बुलेट डजंट वर्क एनीमोर, व्हाई अ बुलेट डजंट वर्क एनीमोर, व्हाई, आई विल शेयर द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, कम ऑन, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को पता है आप भी एकदम उसी नॉटी निंजा जैसे हैं क्या. ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स बिगिन आवर अमेजिंग सेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर की. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद इटसेल्फ, राइट, देन यू गेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर. तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखा है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 8 into 8, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं और मुझे क्या मिल गया, 64. तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64. किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उस नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. अब एक इसके बाद में टर्म आता है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर में फर्क क्या होता है, कुछ बच्चे जब भी ये टर्म सुनते हैं परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं. कोई स्पेशल चीज नहीं है परफेक्ट स्क्वायर. बेसिकली व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद इटसेल्फ एंड द आंसर यू गॉट, दैट इज व्हाट यू कॉल द परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, मतलब किसी नंबर को आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो जो आपको उसका स्क्वायर मिलता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. अब जैसे कि यहाँ पे 64 है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया. मैं 9 की बात करूं, 9 परफेक्ट स्क्वायर हो गया. 36 की बात करूं, 36 परफेक्ट स्क्वायर हो गया. क्यों? क्योंकि 3 into 3 करूंगी, 9 मिल गया, 9 परफेक्ट स्क्वायर है. ऐसे ही 6 into 6 किया, 36 मिला, 36 परफेक्ट स्क्वायर है. अब कुछ नंबर्स ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि मैम ये तो बड़ा बड़ा सा नंबर है, कैसे पता करेंगे whether the number is a perfect square or not, है ना, कैसे पता करेंगे. तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मतलब समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये टर्म आगे बहुत जगह यूज होने वाला है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमें तो सिर्फ स्क्वायर पता है, ऐसा मत बोलना. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी समझ गए.
अब मेक श्योर कि आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स पता हो। अगर ये पता है तो आगे का आने वाला गणित मैथमेटिक्स बहुत इजी होने वाली है। ठीक है, हिंदी में मैथमेटिक्स को गणित बोलते हैं, इन केस इफ यू डोंट नो। वैसे तो आई एम श्योर यू ऑल आर प्रीटी इंटेलिजेंट, सारे के सारे बुद्धिमान बच्चे मेरी क्लास में है तो उन्हें पता है ना। तो याद आपको, हम आपको ना पता होना चाहिए 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स क्या होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट कैन यू गाइस टेल मी हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है दैट ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ डायगोनल की बात की गई है, डायगोनल का लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे? दिमाग की बत्ती जली, बिना मेंटोस खाए जली, है ना? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहाँ लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में, हमेशा याद रखिए। और एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है, कॉमन डाउट आता है एक्चुअली कि मैम कैसे पता करेंगे कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होती है? इजी तरीके हैं, दो चीजें बताती हूँ आपको। सबसे पहले द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज योर हाइपोटेन्यूज। सबसे लंबी साइड राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगी? आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। समझ गए? और दूसरी कैसे पता करेंगे? एक तो ये मैंने बताया, दूसरा चीज 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली खिड़की में जो भी साइड रहती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको ले लिया बेस, ये हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और हाइट दोनों सेम होते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसको भी बेस ले सकते हो और इसको हाइट ले सकते हो। बस हमारी हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है 90 डिग्री के सामने वाली खिड़की में जो साइड रहती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ओके, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम? मुझे पता लग गया ये 90 डिग्री है तो ये हो गई मेरी हाइपोटेन्यूज। तो चलो यहाँ पे लगा दो बी डी स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ए बी क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, सिमिलरली ये हो गया 64, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया 128, बट हमें तो बी डी चाहिए, ये बी डी स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए। फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इस पॉइंट का भी नोट डाउन करना, ठीक है, लिख के रखना, वाइबल लूंगी मैं अभी आगे। देखो कैसे करेंगे हम इसको, बी डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ऐसा समझो कि स्क्वायर हमारा दूसरी तरफ चला गया और ये बन गया स्क्वायर रूट। ये जो साइन होता है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है और ये आ गया हमारा 128। अभी यहीं तक समझो, ठीक है, अभी इसको आगे यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 128 पे ये चढ़ा दिया स्क्वायर रूट, ये साइन होता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करेंगे? क्या 128 परफेक्ट स्क्वायर है? लेट्स फाइंड इट आउट। आगे की सेशन में, आगे की स्लाइड्स में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना अभी नोटबुक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के साथ में। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कंसिस्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ऑल दीज गिवन आर द एग्जांपल ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? तीन टर्म, इसीलिए इसको ट्रिपलेट बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है ट्रिपलेट्स। अब यहाँ पे जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लो 3, 4, 5। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कैसे प्रूव करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है? जैसे कि मैंने बोला टर्म्स जो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करें, मतलब सेटिस्फाई करें। अब पाइथागोरस थ्योरम में अब हम इतने बुद्धिमान बन गए हैं, अभी जस्ट हमने सीखा है कि हमारी हाइपोटेन्यूज क्या होती है, द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट क्या हो गई? 5 हो गई। एंड एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना? तो ये क्या बन गया 25, और ये हो गया 9 plus 16 एंड यू गॉट 25 इज इक्वल टू 25, हेंस प्रूव। अंडरस्टैंड? ये क्या है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एक ट्रिपलेट दे रखा है, बाकी के दो ट्रिपलेट्स को फाइंड करो।
एक ट्रिपलेट दे रखा है, बाकी के दो ट्रिपलेट्स को फाइंड करो। अब बाकी के दो ट्रिपलेट्स फाइंड करने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की एक जनरल फॉर्म होती है, वो के जनरल फॉर्म होती है। कौन कौन सी ट्रिपलेट्स है इन अ जनरल फॉर्म? वी हैव 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपके जनरल ट्रिपलेट्स हैं, जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। सो फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, then 2m square plus m square minus 1 square is equals to m square plus 1 square। मतलब m क्या है? अभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बस इतना समझ लो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये रहे मेरे, ठीक है। और m क्या है यहाँ पे? m का वैल्यू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। फॉर एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, m इज फॉर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, दिस इज द कंडीशन। m का वैल्यू आपको क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12, बाकी के आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अब मेरे पास पता है कि मेरे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं। नाउ वी आर स्मार्ट इनफ टू आंसर, सो वी हैव 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लेकिन अब ये तो दे रखा है कि ये तीन ट्रिपलेट हैं ये, और इनमें से एक ट्रिपलेट 12 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 12 कौन सा वाला ट्रिपलेट है? क्या ये 2m है? क्या ये m स्क्वायर माइनस 1 है? क्या ये m स्क्वायर प्लस 1 है? कैसे पता करेंगे? अभी बताते हैं। तो सबसे पहले जस्ट इमेजिन, देखो सपोज करो ये m स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 इज 12। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया? m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1, m square is equals to 11 and then m is equals to square root of 11, ठीक है। पर हमने जस्ट अभी सीखा कि m का वैल्यू क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? पर क्या ये नेचुरल नंबर है? यहाँ तो हमें स्क्वायर रूट मिल गया, पर क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। मतलब ये m square plus 1 वाला ट्रिपलेट नहीं है। क्या समझे? कि ये m square वाला ट्रिपलेट नहीं है। तो क्या ये m square minus 1 वाला है? आप चेक करके देख लो, इस केस में भी आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा, m का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ओके, तो फिर 2m के साथ चेक करें। चलो 2m के साथ चेक करते हैं। तो ये हो गया m इज इक्वल टू, एवरीबॉडी दिस इज 12/2, देन m इज इक्वल टू 6। आ गया भाई, नेचुरल नंबर आ गया, लेकिन ये m का वैल्यू आया। ऐसे मत बोला कि एक और ट्रिपलेट मिल गया, नहीं, एक ट्रिपलेट आपको ये वाला ट्रिपलेट 12 मिल गया, दूसरा वाला कैसे ये वाला फाइंड करोगे? सो ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1, तो ये आ गया 37। आपका ट्रिपलेट आ गया 37। एक आ गया, वन ऑफ द ट्रिपलेट इज 12, अनदर वन इज 37। नेक्स्ट वन वी कैन फाइंड, इसको अगेन लिख लूं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, 36 माइनस 1 क्या मिल गया? 35। तो तीसरा वाला ट्रिपलेट क्या हो गया? 35। तो अब कौन कौन से ट्रिपलेट है मेरे पास? 12, 35, 37। समझे? ऐसे मत करना कि 6 ट्रिपलेट है। नहीं भाई, 6 तो m की वैल्यू है, अगर आप 6 यहाँ पे लिखोगे तो 12 ही आएगा, है ना? समझ गए? इजी पीजी था, आसान सा था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ओके, अब वापस से जंप करते हैं हमारे स्क्वेयर रूट वाले प्रश्न पे। बट स्क्वेयर रूट वाले प्रश्न को समझने से पहले इन दोनों प्यारी प्यारी बच्चियों की ये जो वार्तालाप है, ये जो कॉन्वर्सेशन है, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिव्या और वंशिका में बातचीत हो रही है, तो दिव्या बोलती है, दिव्या आस्क्ड वंशिका, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर विद द एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर हमें दे रखा है, दिव्या पूछ रही है कि अगर ये स्क्वायर का जो एरिया है वो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी साइड कैसे निकालेंगे, क्या होगी इसकी साइड? तो वंशिका सेड, अरे दैट इज वेरी वेरी इजी, वी कैन इजीली सॉल्व इट। तो वंशिका जी ने क्या किया? वंशिका ने फटाफट से देखो क्या किया, वंशिका ने लिख दिया एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ये तो सही किया, एरिया दे रखा है 169 साइड स्क्वायर। बट वंशिका ने क्या किया, ये साइड स्क्वायर है, वंशिका ने 169 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। क्या हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे? नहीं, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। जब भी स्क्वायर आता है, मैंने आपको क्या सिखाया, कैसे लिखेंगे, साइड इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13।
समझे? अब क्वेश्चन होगा कि मैम आपको कैसे पता 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, कैसे हमें पता लगेगा और ये स्क्वायर रूट क्या होता है। चलो तो अब ये स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर हमने सीख लिया, स्क्वायर रूट को मैं आपको वापस से बताती हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट को अभी ये जो डेफिनेशन है इस पे भी आएंगे, बट एक जनरल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। अभी तक हमने सीखा कि अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं मुझे मिल गया 81, मतलब द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। बट वहीं पे अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट कर दूं, वहीं पे अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या वो हो गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, समझ गए। अब बात आती है कि पता कैसे करेंगे कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या फिर किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। एक डेफिनेशन यहाँ पे देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट गेट्स मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ टू गिव द प्रोडक्ट, ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। यही चीज हमने सीखी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर में डिफरेंस समझ गए। 9 का स्क्वायर हो गया 81, लेकिन वहीं आप 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो हो गया 9, क्योंकि 81 हमें कैसे मिल रहा है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 81 मिल रहा है, तो 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। अब वही चीज कि फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी का स्क्वायर रूट, तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट वी हैव टू इंपॉर्टेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन समटाइम्स वी कॉल इट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में और डिवीजन मेथड में क्या डिफरेंस है, कौन सा सही है, सारी चीजें आपसे मैं आपको मैं बताती हूँ। अब जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करी, ओके, अभी हमने पहले मैंने बोला था ना, अभी मैं आपसे वाइवा लूंगी, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि ये कुछ इस तरीके से आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 128 ऐसे करके आ रहा था। अब इसको चेक करते हैं कि 128 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, स्टार्ट विद 2, हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो, कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12 एंड देन 4 टाइम्स, देन अगेन विद 2, 2 3 जा 6 2 टाइम्स, अगेन विद 2, 2 1 जा 2 एंड देन 6, 2 6 जा 12, यस, अगेन विद 2 8, नाउ अगेन विद 2 4, अगेन विद 2 2 एंड देन 2 1, ठीक है, समझ गए। ये चीज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, अब आगे क्या करेंगे, देखो आगे बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 128 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी आपको आपके प्राइम फैक्टर्स मिले हैं ना वो लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टाइम आ रहा है, 2, 7 टाइम्स, लिख दो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू चेक वेदर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो दो के पेयर्स बनाएंगे, दो दो सेम डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये देखो एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया, लेकिन एक नंबर मेरा ऐसे ही रह गया विदाउट पेयर रह गया। इसका मतलब क्या, इफ इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन इफ एनी नंबर इज लेफ्ट अनपेयर्ड दैट मीन्स नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब 128 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या समझे, इसका मतलब 128 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके, समझ गए। वहीं दूसरी तरफ अगर एक एग्जांपल ले हम एक और नंबर का, लेट्स से लेट्स टेक दिस 729 ओनली, चलो ये 729 को ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो करो, तो कितने बार गया, 2 से 2 2 3 जा 6, Now after that 26 a, oh sorry 2 से क्यों जाएगा, 729 है ना, wait a minute, okay, I hope it's visible, huh? Okay, nice, wait, all right, चलो इसको रब कर देती हूँ मैं, इसको, अच्छा रबी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे कर देते वापस से 729, ओके, तो अब अगर इसको मैं 3 से स्टार्ट करते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो एवरीबडी, सो इट इज गोना गो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ओके, अगेन विद 3 कितनी बार जाएगा,
3 8s are 24, 3 1s are 3, right? Again with 3 kitni bar gaya, 3 2s are 6, 27 times. Again with 3 kitni bar gaya, 9 times. Again with 3 kitni bar gaya, 3 times, 3 se 1 time. चला गया. अब यहाँ पे पेयरिंग करना शुरू करो. तो जब पेयर करेंगे, लेट्स सी क्या सारे नंबर्स पेयर हो रहे हैं. हाँ, ये एक पेयर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, मतलब 729 परफेक्ट स्क्वायर है. पर अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये जानने के लिए यू जस्ट नीड टू टेक वन डिजिट फ्रॉम ईच पेयर. हर एक पेयर में से एक 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 डिजिट ले लो. तो कितना बन गया, 3 × 3 × 3, मतलब 3 × 3 9 9 × 3 27. इसका मतलब द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. मतलब 27 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा तुमको 729. है कि नहीं आसान? इजी है, क्लियर, सुपर डुपर इजी. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ में. ये समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर. पहला क्वेश्चन तो ये है या नहीं है चेक करो. अगर नहीं है देन फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर. ओके, काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं इस एक क्वेश्चन में. चलो वीडियो को फटाफट से पॉज करो और सॉल्व करना शुरू कर दो. अगर एक भी क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया ना इस चैप्टर से, तो और कोई भी क्वेश्चन आ गया फिर तो गाइस मार्क्स ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली 3 to 4 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्या बोला गया है कि इस 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें पता है कैसे चेक करना है कि नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करना शुरू करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. तो चलो एवरीवन स्टार्ट डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से, देन 2 1s are 2, देन अगेन 2 1s are 2. Now I get 2 7s are 40 and then this is 2 6s are 12, right? देखो बहुत ही आराम आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करना, अगर नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. क्योंकि अगर हम एक छोटू सी भी मिस्टेक करेंगे ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि फिर आपको वापस से उसको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि आप एक बार चेक कर लो, ठीक है? आराम आराम से करना शुरू करोगे तो आसानी से हो जाएगा. अब वापस से 2 से शुरू करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 5s are 10, देन 2 8s are 16 एंड अगेन 2 8s are 16. नाउ अगेन विद 2 टाइम्स, 2 से हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो, 2 2s are 4, यस, एंड नाउ दिस इज 2 9s are 18 एंड देन 4 टाइम्स. नाउ अगेन विद 2, 2 1s are 2, नाउ 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड देन 147, राइट? ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सब लोगों ने अच्छे से अपना निकाल दिया है. अब वापस चेक करो ये 147 किस से जाएगा. सो आई थिंक इट इज गोना गो विद 7, राइट? 3 से तो नहीं जाएगा ये. सो 7 से स्टार्ट करेंगे. वेट अ मिनट, हाँ जाएगा ना 3 से. लेट्स गो विद 3. ओके चलो 3 से करते हैं. तो ये कितनी बार जाएगा, 3 4s are 12, राइट? एंड 3 9s are 27, करेक्ट? एंड नाउ आफ्टर दैट ये जाएगा 7 से. नाउ 7 टाइम्स, 7 7s are 49 एंड देन 7 एंड देन वी गेट 1. अब ये आ गया हमारे पास में. अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्ट, अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स आ गए. अब हम मेकिंग, नाउ वी विल बी मेकिंग द पेयर्स. तो पेयर देखो, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया, सेम सेम डिजिट के बनाने हैं. पर यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये अकेला रह गया, ये वाला 3 अकेला रह गया. मतलब पहले क्वेश्चन का हमें जवाब मिल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना? ये देखो यहाँ पे 3 अकेला रह गया, पहले क्वेश्चन का हमें जवाब मिल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352. मतलब अब मैं इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ये हमारे पास आ रहा है, अब मैं इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर दैट आई नीड टू मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. इजी है, अगर यहाँ पे मेरे पास एक और 3 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता या नहीं होता? मल्टीप्लीकेशन में अगर एक और 3 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता. ऑब्वियसली सिंस 3 डज नॉट अकर इन पेयर, वी मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक इट अ
Easy. So when you multiply it by 3, everybody, what will you get? 7056. 7056 आपको मिला अभी, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमसे यही तो पूछा गया था माय डियर स्टूडेंट्स। तो सब इस एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे गए थे कि सबसे पहले तो प्रूफ करो 2352 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। प्रूफ कर दिया, नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352, हमने देख लिया कि हमें 3, एक और लाइक द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विल बी 3 बाय व्हिच वी मल्टीप्लाई देन इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। तो अब हमने क्या किया था कि हमने इसको वापस से 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता लग गया 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी मल्टीप्लाई इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब आप 2352 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 23 इज अ 6, 35 इज अ 15, 33 एंड 9 एंड 1 10, 32 इज 6 एंड 1 7, 7056। एंड जब आप 7056 से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा इसका स्क्वायर रूट? क्या है 7056 का स्क्वायर रूट? ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, टेक वन डिजिट फ्रॉम ईच पेयर, सो दिस इज 2 × 2 × 3 × 7। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। यस, अदरवाइज हाउ यू वांट टू डू, यू कैन इवन डू इट लाइक दिस, दैट 4 × 3 × 7 दैट इज 21, 4 × 1 = 4 एंड देन 4 × 2 = 8। इजी पीजी, ओके, क्लियर, सिंपल। Now, easy the question. अब ये हमने find out कर लिया square root of 7056, देखो यहाँ पे लिख दिया है, तो हमारा answer already आ गया यहाँ पे 84. Okay? Clear है? Easy है? अब आगे हम बात करेंगे division method की। Division method की क्या होता है ये? कभी कभी हमें long division method के नाम से दे दिया जाता है, कभी कभी हमें division method के नाम से दे दिया जाता है। And you know which one is my favorite method? Division. एंड ये डिवीजन मेथड मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि बहुत ही कम स्टेप्स में हमारे सारे के सारे आंसर्स निकल सकते हैं, लाइक बहुत ही इजीली हम हमारा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो कि इतना बड़ा नंबर दे रखा है, कितना बड़ा नंबर है भाई ये, 1 लाख, क्या बोलेंगे, 4976, isn't it? Yes, 1,04,976. अब तुम इतने बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठोगे, सोचो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है। और तुम्हारे इसी कीमती समय को बचाने के लिए हमारे पास आता है एक और मेथड, जो कि है डिवीजन मेथड। एंड क्या होता है ये डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है, बस प्रोसीजर अच्छे से समझ लेना। तो बहुत आसान सा तरीका है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से टेबल बनानी है। यहाँ पे लिखना है आपको ये नंबर, ठीक है, इतना हो गया, इतना कर्म हमने किया, काम कर लिया है इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करो, ठीक है, पैर बनाना शुरू करो, एक पैर ये, दूसरा पैर ये, तीसरा पैर ये, बन गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैम यहाँ तो सारे पैर बन गए, अगर किसी नंबर में पैर नहीं बना तो फिर क्या करेंगे? वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, उसमें भी कुछ भी नहीं करना, सेम 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 चीजें करनी है। तो सबसे पहले हमने कुछ इस तरीके से बनाना है इसको, ठीक है, इस तरीके से हमने एक टेबल जैसे ड्रॉ किया, उसके बाद में नंबर लिखा, पैर बनाया। अब यहां से होता है हमारा खेल शुरू। तो सबसे पहले आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 10 के पास हो, ठीक है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज क्लोज टू 10। सो आई नो एवरीबॉडी, सी आई एम जस्ट डूइंग द रफ वर्क हियर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगेन आई एम सेइंग आई एम जस्ट डूइंग द रफ वर्क हियर। आपको ये ऐसा रफ वर्क दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, है ना। देखो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से, हाँ, 2 × 2 कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 तो 10 से ज्यादा है, लेकिन 9 10 से कम है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखा मैंने 3, ठीक है, यू हैव टू फाइंड अ नंबर हुज स्क्वायर इज क्लोज टू 10, सो नाउ दिस इज 3, यहाँ पे भी आप लिखेंगे 3, 3 × 3 कितना हो गया हमारा 9, यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल डिविजन, 10 − 1 = 1 आ गया, 49 को नीचे ले आओ, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, ध्यान रखना, समझ गए? देखो, हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ा सा लेंथी लगे या थोड़ा सा बड़ा लगे, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट दैट लेंथी एंड इट इज नॉट दैट टफ, इट्स वेरी इजी, तो ट्रस्ट मी, इट इज वेरी 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 इजी। अगर 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बोल रही, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन अगर आपने इसके कर लिए ना,
बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे हम, 149 पूरा का पूरा पेयर नीचे आ गया। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है, ठीक है। सो 3 + 3 कितना हो गया, 6। यहाँ पे आपने लिखा 6। नाउ यहाँ पे एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ऐसे जगह बना लो। अब यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है, सो जो भी आप यहाँ पे नंबर लिखोगे 6 के साथ, उसी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या मतलब, जैसे कि अगर मैंने 6 के साथ 1 लिखा तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आया, 61। अगर मैंने 6 के साथ 2 लिखा तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, आंसर मेरा कितना आया, 124। 3 लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 3 3 9, 3 6 18। अब ये तो 149 से ज्यादा हो गया, तो पिछले वाले पे जाओ, 2 पे जाओ, तो 2 यहाँ पे लिखोगे, सेम 2 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नाउ 62 इंटू 2 कितना है, 124। अगेन डू द सब्ट्रैक्शन एवरीवन, सो हियर आपको, हियर यू गेट 5, 4 आउट ऑफ 2 यू गेट हाउ मच, 2, हाँ है ना। एंड नाउ ब्रिंग अगेन द होल पेयर डाउन, पूरा का पूरा पेयर नीचे ले लो। अब सेम चीज फॉलो करो, जैसे कि हमने 3 + 3 करके 6 लिखा था, ऐसे 62 + 2 करोगे, 62 + 2 करोगे तो फिर कितना आया आपके पास में, 64 आया। अगेन वापस से एक जगह बनाओ, सेम चीज, जो भी आप नंबर लिखोगे ये जगह पे, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, ठीक है। अब अगर मैंने 3 लिखा, 6 43 × 3, क्या आंसर आया, 3 × 3 9, 3 4 12, एंड देन कैरी ओवर 1, 3 6 18, 18 and 1 19, ओके। अब अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 64, चलो अगर मैंने यहाँ पे 6 44 × 4 लिखा, क्या आया, 4 × 4 16, कैरी ओवर 1, 16 and 1 17, कैरी ओवर 1, 6 4 24 and 1 25, सी आई गेट 2 5 7 6, है ना, सेम डिजिट आ गया। तो वापस यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, क्या आ गया, 2 5 7 6, सब्ट्रैक्शन कर दो, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 10 1 lakh 4976 इज 324। समझे, समझ गए कि नहीं समझे, बहुत ही इजी है। मैंने जैसे कि आपको कहा था बहुत 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 आसान है, वैसे तो यहाँ पे स्टेप्स भी मेंशन्ड है, बट अगेन अगर आप स्टेप्स के थ्रू करना चाह रहे हो आपकी मर्जी, कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ इस तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब एक और मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ कि हाँ आपने बोला था ना कि मैम ये तो चलो ठीक है, ये तो अभी हो गया, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका पेयर ही नहीं बन पा रहा है, मतलब कोई नंबर रह जाता है, फिर किस तरीके से करेंगे, कैसे पता लगेगा। देखो वापस से करते हैं एक और क्वेश्चन, लेट मी शेयर, ओके। तो यहाँ कुछ, चलो यहीं पे मैं आपको एक बताती हूँ, एक लेट सपोज एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर ले, कौन सा नंबर ले, आई हैव अ क्वेश्चन दो, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज 55696, चलो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 55696। अब जैसे ये नंबर है, अब वही बात आ जाती है कि मैम प्राइम फैक्टराइजेशन भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हो इतने नंबर का तो कर लो, अदरवाइज विद इन फ्यू स्टेप्स इसको निपटाना चाहते हो तो मैं बताती हूँ। वापस से जिन जिन बच्चों ने मिस कर दिया है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर से सीखो 55696। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, खुद से शुरू हो जाओ, क्योंकि अगर ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया, टिप्स पे आ गया ना, तो इट विल बिकम योर फेवरेट मेथड, फिर आप इसी से सॉल्व किया करोगे, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेयर बनाना शुरू करना है, एक पेयर ये बना, दूसरा ये बना, ये ऐसा ही रह गया, छोड़ दो, कोई बात नहीं, सेम प्रोसीजर, फाइंड आउट द नंबर हू स्क्वायर इज क्लोज टू 5, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 5 के क्लोज हो। ऐसा नंबर तो सिर्फ 2 ही है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, जो कि है 5 से ज्यादा, और 2 का स्क्वायर क्या है, 4, जो कि है 5 से कम। तो ये मिल गया 1 यहाँ पे, और मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे, पेयर नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको करना है एड, 2 + 2 4। अब यहाँ पे जगह बना ली, अब कोई नंबर लिखना है ना, और जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो अगर मैंने 3 लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी,
तो दिस इज 3 × 3 9, 3 × 4 = 12. ओके, अगर मैंने 4 लिखा तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगी. 4 × 4 = 16, कैरी ओवर 1, 16 × 1 = 17. अब देखो 176, 156 से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट 3 लिखेंगे. ठीक है, नाउ 43 × 3 कितना था, 129. आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, 16 में से 9 करेंगे सब्ट्रैक्ट. 16 में से 9 करेंगे सब्ट्रैक्ट, कितना आंसर आया मेरे पास, 7. करेक्ट. नाउ 4 out of 2 यू गेट 2. नाउ ब्रिंग दिस अदर टर्म डाउन, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, ब्रिंग द अदर पेयर डाउन. सो नाउ 43 + 3, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या करेंगे, एड. तो 43 + 3 कितना हो गया भाई, ये बन गया आपका 46, है ना. चलो इन चेंज कर लें जरा, ये हो गया आपका 46. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे नंबर लिखना है, जो भी नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करो. सो ये कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 12, कैरी ओवर 1, एंड 2 × 4 = 8 and 1 = 9. ओके, अब अगर मैंने लिखा 3, तो क्या हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 12, कैरी ओवर 1, 3 × 6 = 18, राइट, कैरी ओवर 1, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13. ओके, सो व्हाट नंबर वी कैन राइट, लेट्स ट्राई टू राइट 4, बिकॉज़ वी वांट 6 एट द यूनिट प्लेस. 4 × 4 = 16, कैरी ओवर 1, 4 × 6 = 24, 24 and 1 = 25, देन कैरी ओवर 2, 4 × 4 = 16, एंड देन दिस इज 18. ओके, ये भी रिवर्क किया. अगर मैं 6 लिखूं, विल इट वर्क, लेट्स सी. 6 × 6 = 36, carry over 3, 6 × 6 again 36, 36 plus 3, 39, carry over 3 again, now 6 × 4, that is 24, and 3, that is 27, yes, so I got our number, we got our number here, so kya likhengi yahan pe, yahan likh diya humne 6, upar bhi likh diya 6, तो ये हो गया 2796, subtraction kiya aaya 0, matlab square root of this 55,696 is what? 236. आया कि नहीं? एकदम इजी तरीके से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया. आसान है, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत 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 आसान है एवरीबॉडी. बस आपको क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है. ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी. नाउ वेट अ मिनट, ओके चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे. अब समय आ गया है कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने का. तो बहुत ही इजी पीजी ट्रिक्स हैं जो कि आप अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस में कर सकते हैं. देखो स्टेप्स अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये अभी हमने सीख लिया है. अब बात करेंगे सम माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सो बी रेडी. तो सबसे पहले तो बहुत आसान वाली ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जो आई बिलीव कुछ बच्चों को पता भी होगी, कुछ को नहीं पता है. नहीं पता है तो जल्दी से सीख लो, और पता है तो फटाफट से आंसर देते जाना. तो जैसे कि सबसे पहली ट्रिक है कि इफ अ नंबर एंड्स विद 5, आई एम गोना टेल यू अ स्क्वायर ऑफ द नंबर, हूज जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हूज एंड्स विद 5. ठीक है, ऐसा नंबर जो 5 से एंड होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 15 का ही बात कर लेते हैं. 15 का स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट करूँ, कैसे करूंगी, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखो, That is 25. Now, जो आपका दूसरा वाला नंबर है उसको उसके सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. सक्सेसर का मतलब होता है आगे आने वाला टर्म. 1 से आगे कौन सा टर्म आता है, फिर 2 आता है, 1 × 2 = 2. तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, कर दिया ना विदिन 5 सेकंड्स. ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करो. अगेन 5 का स्क्वायर हमने क्लियर कर दिया 25. ठीक है, अब 4 का सक्सेसर क्या होता है, 5. सो 4 × 5 = 20, आ गया 45 का स्क्वायर, है ना. ऐसे ही एक और ट्राई करते हैं, 85 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 85 का स्क्वायर करने पे अगेन 25, तो ये आ गया 8 × 9 = 72. इजी, 7 × 2 = 5. ठीक है, आसान है ना. अब आप क्या करेंगे, आप मेरे लिए फाइंड करेंगे 105 का स्क्वायर. ठीक है, 105 को कैसे करोगे, फटाफट से 5 का स्क्वायर, देन टेक दिस होल टर्म 10, टेक द होल नंबर 10 का सक्सेसर, मल्टीप्लाई कर दो एंड फाइंड आउट करो अपना आंसर. ठीक है, ये हो गई हमारी एक ट्रिक. दूसरी ट्रिक अब हम बात करते हैं दैट हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर.
पिछले वाले में कंडीशन थी कि हमारा जो नंबर है वो 5 से एंड होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन थी ना। अब हम बात करेंगे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी टू डिजिट नंबर ले लीजिए जिसका हम स्क्वायर रूट 5 करेंगे विद इन 5 सेकंड। यस, विद इन 5 सेकंड एवरीबॉडी। सो नाउ लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। देखो कोई भी नंबर, जैसे कि अगर मैं बात करूं 44 का स्क्वायर या 63 का स्क्वायर, ओके, किसी भी नंबर का। तो अब जैसे 44 के साथ शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है एवरीवन, सबसे पहले हम बात करेंगे 4 का स्क्वायर, यानी तो सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं। देखो 12 के स्क्वायर की अगर हम बात करें, हमें नहीं पता 12 का स्क्वायर क्या है, हम नहीं जानते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, है ना। सबसे पहले 8 डिजिट का स्क्वायर लिखो, एंड यस 2 डिजिट में लिखना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ओनली, होता है या नहीं होता। अब इन द नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4। तो आपको यूनिट डिजिट छोड़ के और बस फिर यहाँ पे नंबर लिखना है और इनको कर देना है ऐड। तो ये आ गया 144। आया, इजी है, आसान है। चलो नहीं समझ में आया फिर से बताती हूँ। आपने क्या करना है 144 का स्क्वायर फाइंड करने के, सॉरी 44 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए, सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिखो 16। इस 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। नाउ इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, मतलब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 दैट इज 32। यूनिट डिजिट छोड़ो, ऐड कर दो तो कितना आ गया 6, 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया बेटे जी 9, एंड देन 1 1 9 3 6 इज द स्क्वायर, राइट। ऐसे ही आप मुझे फाइंड करके देंगे 63 का स्क्वायर, ठीक है। फटाफट से प्रैक्टिस करो, ऐसे ही सारे टू डिजिट नंबर्स का प्रैक्टिस कर लीजिए एवरीवन, एंड दीस काइंड ऑफ ट्रिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स व्हाइल यू राइट योर एग्जाम ना, क्योंकि बड़ा सारा टाइम का प्रेशर रहता है, तो वहां पे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम में आती है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दीस ट्रिक्स। ऑल्सो इफ देयर इज सम कंफ्यूजन, स्टिल कोई चीज है जो आपको अभी क्लियर नहीं हुई है, or you have any doubt from this particular chapter or from some other chapter, do let me know in the comment section below. बताएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, right? बताना पड़ेगा आपको, and then accordingly we will clear out your confusion. Okay जी, even अगर आपका ऐसा कोई chapter है जो आप सीखना चाहते हो कि मैम ये वाले chapter पे video लेके आइए, then definitely we will come up with that. All you have to just let us know. Okay, so thank you so much everyone for watching this session. And if you like it, do give me the thumbs up. And don't forget to answer me that question. Why a bullet does not, it's like, why a bullet doesn't do her, like its work actually. Okay, so now everyone, let's just say bye bye. And don't forget to like the video if you all enjoyed it. Thank you so much everyone. I'll see you in the next class. Tab tak ke liye, take care. Bye bye. Lots of love to all of you. Bye bye everybody.